So hey, what is up everyone, this is Harshit, welcome back to a new video. So भैया बहुत बड़ी अपडेट आ रही है इस बार एडमिशंस की कि जो DU के एडमिशन है वो कन्फर्म्ड है कि CUCET के थ्रू होंगे, जो कि है CUCET भी कह सकते हैं वो, जो कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कहा जा रहा था सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए निकाला जाएगा. दो तीन साल से डिस्कशन चल रहा था, लास्ट टाइम ऑलमोस्ट पक्का भी कह दिया था, इस बार कन्फर्म्ड हो गया है. जो DU के वाइस चांसलर है उन्होंने कन्फर्म किया, आपको न्यूज आर्टिकल्स भी देख रहे होंगे, मैं आपको स्क्रीनशॉट वगैरह डाल देता हूँ. तो पहले CUCET करके एग्जाम में वो चल रहा था कि उसके थ्रू एडमिशन होंगे, CUCET DU का होगा, लेकिन अब एक CUCET एक बिल्कुल कॉमन सेंट्रल जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उनके लिए एग्जाम है वो होने वाला है. DU के एडमिशन भी उसके थ्रू ही होंगे. जितने भी कोर्सेज है, BCOM ऑनर्स हो गया अपना, आपका BCOM नॉर्मल हो गया, आपका इकोनॉमिक ऑनर्स, या जितने भी आप कोर्सेज मान लो लास्ट ईयर तक मेरिट के बेसिस पे हुआ करते थे ना, उन सबके लिए इस बार एंट्रेंस टेस्ट होगा. तो आप सबको मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये चीज अपडेट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे पता है मार्क्स पे डिपेंड रहते हैं, वो ट्वेल्थ की पढ़ाई कर रहे होते हैं जम के, उनको लगते हैं कि बस इसमें 99-98 ले उनको टॉप कॉलेज मिल जाएगा, सीन सॉर्ट है. बता रहा हूँ इस बार मत फंसो इस चीज में, स्कैम है, मत फंसो. अभी मैं बस इतना बोलूंगा इसमें, अभी मत फंसो, मतलब पढ़ते रहो ट्वेल्थ के लिए, ऑब्वियसली वो मार्क्स चाहिए आपको, लेकिन साथ ही साथ जो अपना टाइम है उसे डाइवर्ट कर दो अब एंट्रेंसेस के लिए. अगर आपने बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया, जिन लोगों ने स्टार्ट कर लिया वेल एंड गुड है, जिनने नहीं किया स्टार्ट एंट्रेंसेस के लिए स्टार्ट कर दो तैयारी. देखो आप एंट्रेंसेस के लिए स्टार्ट करोगे प्रिपरेशन, उसके बहुत फायदे हैं, ठीक है. एक तो CUCET हो जाएगा, ठीक है, साथ साथ में आपके जितने और भी टॉप कॉलेज है, NMIMS, NPAT, DU JET, देखो DU JET जिसको जो मतलब BMS कोर्स होता है या फिर BBA जितने कोर्सेज होते हैं DU में, जो कि शहीद सुखदेव केशव महाविद्यालय प्रोवाइड करता है, उनके लिए एक एग्जाम होता है DU JET. DU JET होगा, DU JET अलग है, ठीक है, DU JET भी होगा, उसकी प्रिपरेशन हो जाएगी DU JET के लिए. साथ के साथ आपके NPAT, NMIMS हो गया, आपको IPMAT देना, IIM का दे सकते हो जो कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट है, उसके लिए आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी. आपका क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, सिम्बायसिस, सबके प्रिपरेशन हो जाएगी, सबके एंट्रेंस टेस्ट भी, तो आप अप्लाई उधर भी कर सकते हो, ठीक है. आपका बाई चांस इधर नहीं हुआ तो उधर हो जाएगा, वो भी बिल्कुल इक्विवेलेंट टॉप कॉलेजेस हैं जितने मैंने आपको नाम बताया. एंड और भी बहुत सारे कॉलेज है, लाइक सेंट जेवियर्स मुंबई, वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस ऑफ इंडिया हो गया, एंड और भी बहुत सारे अच्छे ऑप्शन है. तो प्लीज एंट्रेंसेस के लिए पढ़ाई स्टार्ट कर दो अभी से, वेट मत करो कि कोविड बढ़ रहा है, कैंसिल हो जाएंगे, ये नहीं होगा. प्लीज रिस्क मत लो, हो सकता है 1-2% चांस की कैंसिल हो गया, बहुत कोविड हो गया, नहीं हो पाए ये वो, रिस्क मत उठाओ, बहुत पहले से बता रहा हूँ, रिस्क गलती से भी मत उठाओ. एंड बाकी मैंने CUCET रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी, ऑल यू नीड टू नो अबाउट CUCET वगैरह, उसमें मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन कौन सी आती है वो सब बताया था, आपका सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, वो सब डिस्कस किया था. आपने वो नहीं देखी जाके देख लो, उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा. बाकी इस चैनल में आपको CUCET रिलेटेड, DU JET जितने भी एंट्रेंसेज है या फिर नॉर्मल कॉलेज एडमिशन DU का हो गया, किसी भी कॉलेज का, टॉप कॉलेज का, इन सारे कॉलेजेस का एडमिशन प्रोसेस वगैरह क्या है, एंट्रेंसेज में क्या स्ट्रैटेजी, एंट्रेंस एग्जाम के लिए स्ट्रैटेजी वगैरह जो कोई प्रोवाइड नहीं करता, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, किसी ने प्रोवाइड नहीं की, वो सब आएंगी. लास्ट ईयर भी आई थी, आप जाके देखो, मैंने सिम्बायोसिस, NMIMS, DU JET, IPMAT के लिए स्ट्रैटेजी निकाली थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए वर्कआउट की थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए वर्क की थी वो स्ट्रैटेजी. इस बार भी आएंगी CUCET के लिए भी, और जितने भी एंट्रेंसेस वगैरह उनके लिए भी. कॉलेज फैक्ट्स वगैरह बनाता रहता हूँ मैं डिफरेंट कॉलेजेस के लिए, बहुत अच्छे अच्छे 3 things you need to know, 3 reasons why you should not join this college, 3 reasons why you should definitely join this college, 7 shocking facts about this college, ये वो. तो आपको भी किसी स्पेसिफिक कॉलेज के बारे में सब आपको चाहिए फैक्ट्स वगैरह, तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो उस कॉलेज का नेम, उसके बारे में भी आ जाएगी, कॉलेज रिव्यू वगैरह भी आते रहते हैं, कोर्सेज के बारे में बता देता हूँ, डिफरेंट कोर्सेज की करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है वो, कॉलेज व्लॉग्स आते रहते हैं इस चैनल पे, 2-3 आए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, और भी कॉलेज व्लॉग्स आ रहे हैं जो मैं लाइक NMIMS में उसके रिलेटेड. इन शॉर्ट आपको चैनल पे एंटरटेनमेंट भी मिलेगा, एजुकेशन मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, इसलिए डू सब्सक्राइब राइट नाउ अगर आपने अभी तक नहीं किया है. इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, अब आपके लिए यूजफुल होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी है, तो प्लीज लाइक कर देना. इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब राइट नाउ, एंड कुछ भी डाउट वगैरह कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो, या फिर आप मुझे DM कर सकते हो, मुझे फॉलो कर लेना, उधर थोड़ा जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा. बस चलिए मिलता हूँ सबसे नेक्स्ट वीडियो में. सो गाइस, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ.